सो गाइस, अभी फिलहाल मैं मामू के घर पर, शाम के टाइम हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं नोनू के साथ जा रहा हूं मार्केट में, तो मार्केट भाग गया। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जाने से पहले इस वक्त शाम के शाम मान लो जो भी है 7:30 बज रहे, तो मैं जा रहा हूं मार्केट में अपने थोड़ा सा कैंपिंग का सामान लेने, बिकॉज मैं खाने पीने के लिए कुछ नहीं लिया था, शामली से मेरे को टाइम नहीं मिला था, बिकॉज कल मम्मी कह भी रही थी ले ले, मगर मैंने नहीं लिया। तो मैं बताता हूँ, मेरी जो ये लीड है इसने मेरे को धोखा दे दिया यार, ब्लूटूथ वाली ने, इसका एक में आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो अब मैं ना ही लेने जा रहा हूँ मार्केट में, और मैं इस बार वायर वाली ले रहा हूँ, तो वायर वाली अच्छी चलती है इनके मुकाबले, तो वही चलते हैं मार्केट में। तो वहाँ से एक मेरे को लीड लेनी है, फिर उसके बाद में लीड लेनी है, मैगी के पैकेट लेने हैं, और क्या नाम है, चने, रोस्टेड चने लेना है, क्योंकि मेरे ट्रैवल बाकी देखी जाएगी, तो ये सब सामान रखा पड़ा है अपना। तो चलते हैं, भाई अपना साथ में है। तो गाइस फाइनली अभी मामा के यहाँ ऑफिस की साइड पहुँचे हैं, तो अभी हमारे को मार्केट में जाना था कुछ सामान लेने के लिए, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं। तो देखो शर्मा ट्रैवल, एक गरुंडा मंडी, सब्जी मंडी के पास में है ए। ओए ये है ना, यही है, कोई सी दिखा दे तो जो तो नहीं, इस पर जमुना ट्रैवल से लिखा, उधर शर्मा ट्रैवल लिखा, मुझको लगा मैं किसी और का बोर्ड तो नहीं दिखा रहा। तो भाई ये है अपना, फाइनली देख लो कुछ इस करके। पिछली बार मैं यहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाया था, पिछली बार 2 महीने पहले आया था मैं। शर्मा ट्रैवल्स सामने ऑफिस है, यहाँ से आपको, आई यार कुछ चेहरा ही दिखाई दे रहा, आप थोड़ा रोशनी में चलते हैं, यहाँ से आपको हर जगह की गाइस बस मिल जाएगी, बिहार, अरे मतलब हाँ मतलब बिहार दिखा दे, खास तौर से बिहार वगैरह की बस मिल जाएगी। और ये आई सुमित भैया, लाइट दिखाओ भाई के चेहरे पे, अरे शोर मत कर। तो ये सुमित भैया है, ये हमारे मामा के क्या बोलते हैं, बिजनेस पार्टनर, भाई कह दे तो भैया है यार, मतलब ये भी हमारे एक तरीके मामा की तरीके। तो भाई ये सुमित भैया, तो ये भी यहीं पर आते हैं, तो अभी मामा है नहीं, मामा कहाँ गए हैं भाई, मामा कहाँ गए हैं, काम जा रहे बाहर थोड़ी देर में। अच्छा तो गाइज मामा जी गए हैं बाहर, मामा जी यहाँ पे है नहीं, तो ऑफिस बंद पड़ा था, तो सब्जी लेने चलना है भाई, प्रसाद भी चढ़ाना है, और अभी टाइम देख ले 8 बज रहे हैं, तू लेट कर रहा है यार, चलो मैं तेरे साथ चलूँ। तो गाइस चलते हैं, हमारे को प्रसाद चढ़ाना है, आज मंगलवार है, मुझे तो पता नहीं था, मेरे को इसी ने बताया, तो हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, और सब्जी भी लेनी है हमारे को थोड़ा सा, मुझे अपने लिए सामान भी लेना है, तो फिर उसके बाद चलते हैं। एंड देख चाहिए थी एडिटिंग के लिए, तो ये दुकान है, चलते हैं अंदर, हैं क्या हुआ, टेक्स्ट मैसेज आ गया, अरे चल अंदर। हे गाइस अभी गौरव भैया चेक कर रहे हैं लीड, ये देखो ये अंकल जी की शॉप है यहाँ पे बरुंडा, कैसे तो भाई कुछ यहाँ पे फाइनल नहीं हो पा रहा है, क्या लेना है क्या नहीं, तो देखते हैं कैसी है, अच्छी लगी, इसका बेस नहीं है यार, तो है ना, तो 50 रुपये वाली ले रहा भाई, नहीं मतलब बेस की बात नहीं कर रहा, मतलब उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बैठी बैठी सी लग रही है, 50 रुपये बेस है भाई, 350 ले ले उसको, बढ़िया बेस यार, यहाँ जो लीड देख रहे थे ना, इसके अंदर क्या था, 50 रुपये में, मतलब उसी दुकान पे चल, अब जो हमारे को महंगी लग रही थी, पीछे की दुकान छोड़ के आए इस दुकान पे, पहली बात तो इन पे लीड है नहीं 50 रुपये की रेंज में, और जो है ना तो यार उसमें फैम ब्रो, तो जो उन पे लीड है तो उसमें साउंड अच्छा नहीं है बिल्कुल, ब्रो को भी दिखा दे, तो ब्रो को भी दिखा दो भाई, फैम ब्रो तो भाई यार ये भी भाई फैम ब्रो, तो सगे सभी दिल्ली का है, तो गाइस अभी क्या कह रहा था मैं, हाँ लीड की बात चल रही थी, तो गाइस लीड का सीन ये है, अब हम दूसरी दुकान पे जा रहे हैं, पीछे दिखा दे, ओ भाई ओ भाई ओ ये क्या आ रहा है यार पीछे, फक डूड भाई बहुत, अबे यार है क्या ये, मैं डेमोस्ट्रेटर है
ओ भाई इसको साइड में लगा यार, ये दिखाऊंगा आप लोग ना दुकान में आगे। तो गाइस ये दुकान है जो हमारे को पहले महंगी लग रही थी, मुझे लगा यहाँ पे शायद महंगी भी लगी। ओ यार पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ रही है, मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ यार, बड़ी फाट जाए भाई भाई। ओ माय गॉड, ओ भाई क्या ये, मतलब मैंने अपनी लाइफ में आज तक इस तरीके का ट्रक नहीं देखा भाई। अरे यार क्या सीन है, ये ट्रक ही है क्या ये, मतलब लाइट ज़्यादा तेज है ना इसकी तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। तो सो भाई क्या ये, अच्छा समझ गया, ये किसान वो खेत वगैरह में जो काम करते हैं ना, ये वो है। उसके टायर देखो यार कितने बड़े हैं, मतलब वो भाई बहुत ज़्यादा बॉम है यार, ये कहीं ऊपर जाके भिड़ ना जाए। तो भाई ये किसान वो जो खेत वगैरह के अंदर चलती है ये मशीन, उसके टायर देखो यार, आगे के टायर इतने बड़े हैं जैसे ट्रैक्टर के जो बीच वाले टायर होते हैं ना मिडिल टायर, उनके जितना तो उसका आगे का टायर है। और ये देखने में उन्होंने मेरे को बताया, नोनू ने कह रहा देख पीछे क्या आ रहा है। ओ भाई देख के मेरी हालत ख़राब हो गई बहुत ही तगड़ी चीज़ है यार। तो गाइस चलते हैं जल्दी से लीड लेने के लिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करना हमको, चलो 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 भाई। फाइनली ये दुकान है अपने, तो चलते हैं भैया। लीड लीड चाहिए थी, 50 रुपए की रेंज की चाहिए, 50 की रेंज की। यही हमेशा ये प्रॉब्लम होती है जब हम कभी दुकान में शूट करते, तो ये ये पता नहीं क्यों होता है ऐसा ऐसा करके। तो ये है, ये लीड मिली है, तो चेक करते हैं उसका बेस क्वालिटी कैसी है, एक सेकंड से। तो गाइस ये देखते हैं फाइनल होती नहीं। तो गाइस सेकंड दूसरी दुकान पे आए हैं, लीड का बेस चेक कर रहे हैं, तो ठीक है इसका, ठीक है उस वाले की मुकाबले। तो ये फाइनल, ये थोड़ा सा अभी एक दो गाने पलट रहा हूँ मैं, तो देख रहा हूँ। तो गाइस ये 80 रुपये वाली लीड देखिए, इसका साउंड अच्छा है औरों के मुकाबले, 30 रुपये महंगी है मगर इसका बेस और साउंड अच्छा है कंपेयर टू अदर 50 वाली के। तो 80 वाली ले रहा हूँ मैं, तो डन डन गाइस, 80 रुपीज़ वाली डन। सो गाइस अभी बैंक करते हैं, सॉरी आ गए वो। तो गाइस फाइनली ये सब सामान ले चुका हूँ, बिस्किट और ये सब मैगी है और शैम्पू के पाउच हैं और चने हैं, रोस्टेड चने लिया मैंने क्योंकि ट्रैवल के टाइम पे ठीक रहेगा, तो ये टोटल ज़्यादा भारी भी नहीं है, ठीक है। सामान हो गया खाने पीने का, मतलब स्नैक्स लिया मैंने, ड्राई स्नैक्स लिया ये जो भी है। तो करते हैं पेमेंट, अंकल कितने हो गए, 100 रुपये तो दे दिए मैंने आपको, 20 रुपये और दे दो, 60 तो बिस्कुट हो गए। हाँ जी 60 के तो बिस्कुट हो गया, 20 रुपये का ही 20 को ही हो गया, 80। तो गाइस फाइनली सारा ड्राई स्नैक्स ले चुका हूँ खाने पीने के लिए, ट्रैवल के लिए मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा से ऑफिस जा रहा हूँ, और प्रसाद चढ़ाना अभी बाकी रह रहा है, तो चलते हैं देखते हैं। गाइस मैं ब्रेड वगैरह इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि यार ये सब चीज़ें इतना नहीं चलती है, ख़राब हो जाती है ना, तो मेरा तो ऐसा है कि कभी कभी नाश्ता पानी बना लिया तो उसके साथ में जहाँ भूख लगी मतलब वहाँ पर, तो इसलिए मैं सब वैसा सामान ले जा रहा, ड्राई स्नैक्स ले जा रहा हूँ। तो नोनू आ गया फिलहाल बाइक पे, तो चलते हैं और देखते हैं हमें नाश्ता। तो वैसे अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा गर्मा गर्मी का मामला चल रहा है, तो मैं यहाँ पे भी आपको प्रॉपरली दिखा नहीं सकता ब्लॉग में। तो अभी देव के पास किसी का कॉल आया तो कुछ गाली वाली गाली गलोच होगी आपस में, तो चलता रहता है यार, तो काम धंधे में सब चीज़ें होती है कुछ, तो वो मुझे नहीं पता क्या मैटर है बिकॉज अभी मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं कर सकता, तो यार मामा बैठे हुए हैं तो मामा के पास जाके व्लॉग नहीं कर सकता, तो बस नमस्ते करी पैर छुए और मैं आ गया इधर। तो बस मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि प्रसाद चढ़ाना था यार मंगलवार को, तो इसने बहुत कुछ बहुत लेट कर दिया, पहले लीड इतनी लेट दुलाई फिर उसके बाद में यार अभी सामान वामान लिया है। तो अभी फ़िलहाल सीन ये है कि अभी तो फिलहाल हम कुछ टाइम यहीं रुकेंगे, तो थोड़ी सी देर मतलब 5-10 मिनट, और स्नैक्स वनैक्स मैंने सब कुछ ले लिया, तो दोबारा से आया था मामा के ऑफिस पे, तो मामा इस बार मिल गए, तो अभी थोड़ी देर में अब हम घर जाएंगे, वहाँ जाकर खा पी के सो जाएंगे, कल सुबह निकलते हैं नई जगह पे।